हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू पेट्स ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूं और दोस्तों बहुत ज्यादा खुश हूं। एक्चुअली अभी मैं इस वक्त आप लोगों को हमारा धान की जो खेती है ना वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोस्तों हमारा धान की खेत है, ठीक है। इस खेत में दोस्तों पानी है, बट वो वाला खेत में पानी नहीं। सो मुझे दोस्तों इस खेत में ना पानी देना होगा। वहां पर मोटर लगा हुआ है, देख सकते हैं। वहां पर दोस्तों मेहताब भी है, खेल रहे। तो चलिए और आगे जाते हैं और आप लोग को बताते हैं, ठीक है। आप सभी को बताया, कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर बाकवेट की खेती किया था, है ना। वो दोस्तों काट के घर ले गया। अब देखिए धान की खेती स्टार्ट हो गया है। साल में दोस्तों हम सिर्फ दो बार ही खेती कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत पानी हो जाते हैं बरसात के मौसम में। हमारा यहाँ हर साल दोस्तों बाढ़ आते हैं। तो ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर इस लेवल तक पानी होती है यार। ये होती है बरसात के मौसम में। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और जब पानी आते हैं उस वक्त भी दोस्तों बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। इस पेड़ से बहुत सारा फ्लावर्स गिरा। और देखिए ये वाला जो खेत है ना, काफी खराब हो गया, साफ करना होगा। तो आप चले घर जाते हैं। अभी दोस्तों इस वक्त दूसरे लोग खेत में पानी दे रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद देंगे, ठीक है। परसों में दोस्तों हमारा फिराजी कबूतर की, फंटल कबूतर की जो रूम है ना, वो साफ की। एक रूम दोस्तों रह गया जो ये वाला है। एक्चुअली कुछ दिन पहले इस रूम को क्लीन किया था, फिर से दोस्तों काफी गंदा कर दिया, देखिए। लेकिन इन रूम को आप लोग देख लीजिए, साफ सुथरा है ना। इनको खाने के लिए खाना दिया गया है, पानी भी दिया गया है। खाओ खाओ, ये लोग खाना खा रहा था। इसको क्लोज कर देता हूँ और फाइनल को दिखाता हूँ। ये सभी भी दोस्तों खाना खा रही है। खाओ खाओ खाओ, खा लो खा लो खा लो। और बच्चे को देख सकते हैं, काफी बड़ा हो गया है ना। इनको दोस्तों फिर से नेस्टिंग मटेरियल देना होगा, क्योंकि हमारा कबूतर दोस्तों बहुत जल्दी अंडे देगी। वहां पर हमारा रैबिट्स को खाने के लिए ग्रास दिया गया है। घर में फिर से बीमार आ गया, मतलब हमारा मुर्गी के बच्चे को बीमार हो गया यार। और बीमार दोस्तों हमारा सिल्की बेबी को हुआ है, ये दोनों बीमार है। बाकी सब दोस्तों ठीक ठाक है, पर बाद में क्या होगा पता नहीं। यहाँ पर सभी ठीक ठाक है, देख सकते है। इन रैबिट्स को खाने के लिए ग्रास दिया गया है। और डकलिंग्स भी दोस्तों बड़े हो रहे हैं, देखिए क्या हुआ। लगता है दोस्तों इनको भूख लग गया है ना, काफी चिल्ला रहे। रुको रुको, खाना मिलेगा। यहाँ पर हमारा गोलू मोलू स्नैपी बस्किंग कर रही है। अरे भागी भागी, मुझसे काफी डरते हैं यार। इनको खाने के लिए फोड़ देना होगा। पानी का हालत देख सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा गंदा हो गया है ना। बहुत जल्दी साफ करना होगा। और वहाँ पर है दोस्तों मूली, जो एक्चुअली प्रेग्नेंट है। ये सब दोस्तों बहुत जल्दी बच्चे देने वाली है। इस रूम के अंदर जो हमारा फिश है, बर्ड्स है, इन सब को दोस्तों खाने के लिए दिया गया है। एक्वेरियम तो काफी गंदा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, फिश नजर ही नहीं आ रहा है ना। तो जैसे मैं दोस्तों ये पानी में सेंस करता हूँ, तो हमारा फिश को ना काफी तकलीफ होते है, इसलिए मैं दोस्तों पानी को बहुत कम सेंस करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मा की तीन बेबी है, और बाकी जो दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली लोकल मुर्गी की बच्चे है। कलर भी दोस्तों बहुत ही मस्त है, ब्लैक व्हाइट है ना। ये देखिए कितना क्यूट सुगा है। इनको खाने के लिए खाना दिया गया है, पानी भी दिया गया है। और मैं दोस्तों यहाँ पर एक बालू भी सेटअप कर दिया, ताकि इनको ठंड ना लगे। आज मैं हमारा डायमंड को दोस्तों नेस्टिंग मटेरियल दिया था, बट उन लोगों ने नेस्टिंग किया ही नहीं। हमारे सभी कुकटल दोस्तों ठीक ठाक है, हेल्दी है। हमारा सभी बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है? रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए तुलसी के पत्ते, इन लोगों का दोस्तों फेवरेट है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो जल्दी इनको खाने के लिए देते हैं। आज मुझे दोस्तों एक बेबी देखने को मिला, जो एक्चुअली रिसेंटली मटकी से निकला है। वो कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, इस तरह आ जाओ। ये देखिए सभी आ रहे। चलिए फटाफट दोस्तों हमारा बजिश को ये तुलसी के पत्ते खाने के लिए देते हैं, ठीक है। मैं वॉश करके अभी का अभी लाया हूँ। यार मुझे अंदर तो जाने दो, मेरे हाथ में ही आना चाहते हो। एक तो आ गया, देखिए मेरे हाथ में बैठ के खाओ यार। दोस्तों ये जो ग्रीन कलर के बच्चे दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली रिसेंटली मटकी से निकला है। टोटल दोस्तों तीन बच्चे थे, उनमें से दोस्तों एक निकल गया, दो दोस्तों मटकी के अंदर है। ये देखिए ये दोनों अभी तक नहीं निकला। तुम लोग खाओ, ठीक है। खाओ। बाय द वे, ये दोस्तों आज का हमारा एक छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करता हूं सभी को पसंद आया है।
पसंद है तो ब्लॉग लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करना। मिलता हुआ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और हमारा इस चैनल के साथ जुड़े रहे। बाय बाय।